तो दोस्तों भारत के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सावधानी बरतने वाली खबर निकल के सामने आई है, क्योंकि चाइना और टर्की जैसे देशों की जो चोरी है उसको यूरोपीय यूनियन ने रंगे हाथों पकड़ लिया है और अब इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होने वाली है। दरअसल भारत तो बहुत पहले से कहता आ रहा है कि चीन चालबाज देश है और रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, परंतु यूरोपीय यूनियन वालों को लगता है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के अंदर चाइना एक शांति दूत बनेगा और इस युद्ध को रुकवाने में यूरोपीय यूनियन की मदद करेगा। और दोस्तों चीन की तरफ से भी यह कहा जा रहा था कि इस युद्ध को लेकर हम किसी भी एक पक्ष के पाले में नहीं हैं, हम इस युद्ध में न्यूट्रल हैं और किसी भी देश को हम किसी भी प्रकार से मदद नहीं देंगे। परंतु आज यूरोपीय यूनियन के द्वारा खुद ही चाइना, टर्की और यूएई जैसे देशों की चोरी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। और जब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से जांच करी गई तब पाया गया कि चीन की कुल मिलाकर 7 कंपनियां रशिया को चुपचाप तरीके से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सप्लाई कर रही हैं जिनके माध्यम से रशिया हथियारों का निर्माण कर सकता है। और इस प्रकार का काम चीन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किसी तीसरे देश के माध्यम से कराया जा रहा है, ताकि ये तीनों ही देश चुपचाप तरीके से प्रतिबंधों को बाईपास कर लें। परंतु आज इन तीनों ही देशों की चोरी यूरोपीय यूनियन की तरफ से पकड़ ली गई है, जिसके बाद में यूरोपीय यूनियन इन तीनों ही देशों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाली, और स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल देख सकते हो जिसमें यूरोपीय यूनियन चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है। और चीन की जो 7 कंपनियां प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए चुपचाप तरीके से रशिया को मदद कर रही थी, उनकी सारी संपत्ति यूरोपीय यूनियन के अंदर यूरोप जब्त करने वाला है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, और चीन और तुर्की ने जो काम किया है उसके कारण क्या इन देशों के ऊपर प्रतिबंध लगने चाहिए और क्या यूरोपीय यूनियन इनके ऊपर प्रतिबंध लगा पाएगा? कमेंट बॉक्स में फिर आवश्यक दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।